दुर्ग में आईआईटी भिलाई के परिसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जिले को दी बड़ी सौगात, आईआईटी भिलाई का किया वर्चुअली शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री और पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आईआईटी भिलाई का शुभारंभ किया गया है और आईआईटी भिलाई के शुभारंभ के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए आईआईटी का परिसर, आईआईटी कैंपस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए स्वागत। और इसी खबर पर छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड मनोज शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी भिलाई के परिसर का आज वर्चुअली शुभारंभ किया है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? इसके अलावा क्या कुछ सौगातें छत्तीसगढ़ को मिली हैं? जी प्रियंका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई प्रदेशों में आज बड़ी सौगात दे रहे हैं और इसमें छत्तीसगढ़ के लिए भी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने आईआईटी का भूमि पूजन 2018 में किया था, जिसकी जिसको जो है आज उन्होंने सौगात, बड़ी सौगात यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए दिया। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि कवर्धा के लिए भी उन्होंने काफी कुछ वहाँ पे सौगात दिया है, केंद्रीय विद्यालय को लेके और भी कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है कवर्धा के लिए भी। जी तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस मौके पर मौजूद रहे। आईआईटी भिलाई की सौगात मिलने से छत्तीसगढ़ वासियों को क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी और लोग कितना खुश नजर आ रहे हैं? जी आपको बता दें प्रियंका कि आईआईटी खुलने से यहाँ के नौजवानों में काफी खुशी देखने को, कल से ही जब से उनको जानकारी मिली थी कि यहाँ पे आईआईटी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि ये आईआईटी 14 जून 2018 प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी जो 8 जुलाई 2020 को ही ये कंप्लीट भी हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये 1090 करोड़ की लागत से ये स्वीकृत किए गए थे और इसमें जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेक्चरर हॉल है, सेमिनार रूम है, क्लास रूम आदि एकदम न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये पूरा निर्मित भवन जो है एक अलग ही सौंदर्य भी दुर्ग के लिए बिखेर रहा है। जी बिल्कुल मनोज, आईआईटी के परिसर की यदि हम बात करें तो जिस तरह से आज उसकी इसका शुभारंभ किया गया है, यदि इसके संचालन की बात करें या फिर छात्रों के लिए इसके खुलने की बात करें तो कब से व्यवहारिक रूप से इसकी शुरुआत हो जाएगी? जी प्रियंका, ये आईआईटी का जो यहाँ पे अभी क्लासेस जो है न्यू राजधानी रायपुर में चल रहे थे और जिसको लेके यहाँ पे भी अभी इसकी यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ऐसा लगता है कि यहाँ कल परसों से ही यहाँ पे शुभारंभ कर दिया जाएगा, ऐसा मान के चला जा रहा है। जी इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को और भी कई सौगातें दी हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी कवर्धा के लिए उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की मांग थी और स्वास्थ्य को लेके भी कुछ बातें यहाँ के कवर्धा के विधायक ने प्रस्ताव रखा था, शायद उसको भी जो है उन्होंने मंजूरी दे दी, उसका भी आधारशिला रखा है वर्चुअल रूप से। जी यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़ी योजनाएं आज सरकार के द्वारा शुरू की गई है, नई सरकार के बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव आप देख पा रहे हैं? जी काफी कुछ इनका देखने को मिल रहा है, 200 विद्यालय का पीएम श्री योजना को लेके काफी कुछ, शिक्षा को लेके काफी कुछ जागरूक सरकार नजर आ रही है और सही बात भी है कि शिक्षा से ही देश की नींव मजबूत होती है, जिसको लेकर शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी की सरकार। जी जी